नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता द्वारा दिए गए बयानबाजी को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी की ओछी मानसिकता है। राहुल गांधी ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं, वह आम जनता की आवाज इसी तरीके से उठाते रहेंगे। रिपोर्ट अरविंद योगी की खास रिपोर्ट, लोकेशन जयपुर। भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही राहुल गांधी अभद्र टिप्पणी एवं दी गई धमकी को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश कमेटी राजस्थान द्वारा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना चाहते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम नेताओं की गंदी मानसिकता है और राहुल इस तरह के बनियान दिलवा रहा है, क्योंकि जब चार चार पांच पांच बड़े नेता, केंद्र का मंत्री, यूपी का, दिल्ली का बड़ा नेता, यूपी का मिनिस्टर, सब जब आतंकवादी राहुल गांधी जी को बता रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी दादी का जिस प्रकार से हस्न हुआ उस तरीके की धमकियां दे रहे हैं कि वो हस्न कर देंगे, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी और अमित शाह जी किसी तरीके की कोई इसके लिए नहीं कहते हैं कि भाई ये गलत है, उसको कंडेम नहीं करते हैं ऐसे बयानों को, तो इसका मतलब वो खुद चला करके ये हिंसा फैलाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी वो शख्स है जिसकी दादी और जिसके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्योछावर कर लिए, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं खींचे। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और तमाम नेता, राहुल गांधी का तो कहना ही यही है कि डरो मत, तो वो खुद तो डरने का सवाल ही नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश के लोगों को कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है इनसे, ये हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये यहाँ नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी प्यार और मोहब्बत बांटते हुए पूरे देश में चल रहे हैं। ये सब फर्जी बात है, मूल जो मुद्दे हैं देश के लोगों के और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार ने किए थे, वो मुद्दे ये पूरा नहीं कर पाए, वो वादे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया है। ये संविधान में संशोधन ये कर नहीं सकते हैं, इनके खुद के मंत्री, रेल मंत्री ने कल कहा है कि पता नहीं कब लागू होगा, तो महिला आरक्षण पता नहीं कब लागू होगा, वन नेशन वन इलेक्शन की कब लागू होगा इनको पता नहीं, तो फिर इनको पता क्या है। आज कैबिनेट में 2029 की बात को पास करा करके छोड़ना और लोकसभा और राज्यसभा में वो पास करा नहीं सकते, जो संशोधन कुछ करने हैं उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों का और 2/3 मेजोरिटी का संशोधन चाहिए, वो इनके पास में है नहीं। ये केवल जुमले ला करके, देश के लोगों को बरगला करके, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, जो किसान परेशान है, उनके उन मुद्दों से ध्यान देश के लोगों को हटाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों ही चुप हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। राजनीति में गाली जो है, गालियों का मतलब नहीं है, मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के संवैधानिक पद पे है, ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जो हो रही है आज देश के अंदर, मैं समझता हूँ गलत है। आपको बताइए, मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बताया कि आज मकसद क्या है हमारे एकत्रित होने का। मैंने जब राजनीति में शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज सीखी है, सम्मान और शुचिता। भले आप हारो या जीतो, लेकिन किसी भी नेता को अपनी भाषा की गरिमा की हदें पार नहीं करनी चाहिए। आज दुर्भाग्य है देश का कि एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद, एक पूर्व मंत्री, एक विधायक, इनके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी ने केस दर्ज करवा ही दिया है, लेकिन जब बड़ों को देखते हैं ऐसी बातें करते हुए तो उनके अनुगामी होकर के कार्यकर्ता भी शुरू हो जाते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया, फिर जनता ने बना दिया तो गले नहीं उतरे, और जब राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता का दर्जा मिला तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान वही होता है, लेकिन महत्व बराबर का होता है।